मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। संदिग्ध अवस्था में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर घायल मिला ट्रक ड्राइवर। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि गोली मारकर बदमाश युवक को एक्सप्रेस वे पर फेंक कर मौके से फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया। युवक को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डकोर कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आप देख रहे हैं, जालौन मेट्रो पर जहां संदिग्ध अवस्था में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर घायल मिला ट्रक ड्राइवर। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गोली मारकर बदमाश युवक को एक्सप्रेस वे पर फेंक कर मौके से फरार हो गए बदमाश। और राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया। डकोर कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल युवक को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। इस समय देवेश जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देवेश जी, क्या जानकारी मिल रही है इस संबंध में? हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के डकोर थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 161 के पास है, जहां पर स्टेट जो एक्सप्रेसवे है वहां पर एक व्यक्ति को घायल अवस्था में, लहूलुहान अवस्था में तड़पता हुआ देखकर राहगीरों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और स्थानीय पुलिस को फ़ोन किया है। तो स्थानीय पुलिस और बुंदेलखंड अथॉरिटी के जो जवान हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। एम्बुलेंस, हाईवे एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है और उस घायल हुए व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उसको गंभीर अवस्था देखते हुए उच्च संस्थान रेफर कर दिया गया है। संबंधित मामले में जो प्रथम दृष्टया हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये इसके साथ हादसा हुआ है, संभवतः इसको किसी ने गोली मारी और उसको मारकर वहाँ पर फेंका है। ऐसे पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। और रवि कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि उनके जो घायल ड्राइवर है उसके ऑपरेटर और मालिकों से बात हुई तो उनका कहना ये था हो सकता है कि एक एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर कोई अपराध हुआ है तो उस पर भी जाँच की जा रही है, मतलब किसी भी संभावना से उन्होंने इनकार नहीं किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुलिस ने भी तत्परता दिखाई है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। अंततः देखते हैं इस मामले में पूरे प्रकरण में नतीजा क्या निकलता है, लेकिन फिलहाल जो है उसकी हालत गंभीर अवस्था को देखते हुए उसको जो है झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। आज यूपीटा के माध्यम से थाना डकोर को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है। 161 किलोमीटर में मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण अभी किया गया है और इस सूचना के आधार पर थाना डकोर की पुलिस के द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को जिसके जबड़े में चोट लगी हुई थी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जहाँ से उसको फर्दर इलाज के लिए झांसी भेजा गया है। घायल व्यक्ति के ट्रक के मालिक या ऑपरेटर जो भी हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने एक्सीडेंट की संभावना प्रतीत बताई है, लेकिन हो सकता है इंजरी किसी और भी कारण से हो, तो जो भी कारण है उसे तहकीकात की जाएगी और आगे के छानबीन करते हुए अगर कोई अपराध हुआ है तो मुकदमा कायम कर आगे की विधि कार्रवाई की। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।